हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को एमएस एक्सेल में 10 ट्रिक। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और एमएस एक्सेल में आज हम बताएंगे आप लोगों को 10 ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ट्रिक यहाँ पर नंबर 1, तो मैं यहाँ पर नंबर 1 लिख दिया। और यहाँ पर क्या करना है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने के लिए कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि मैं लिख दिया राम, और यहाँ पर लिख दिया यादव। तो राम यादव, इसको कैसे हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे इक्वल। राम किस सेल में है, यहाँ पर बी कॉलम और यहाँ पर 5 रो। तो हम क्या करेंगे, B5 क्लिक कर देंगे और एंड का फार्मूला लगा देंगे, और यहाँ पर एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पर 7 प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। और यहाँ पर जो लिखा गया नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, यहाँ पर F7 में लिखा गया, तो F7 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे आप F7 प्रेस किए हैं, इसके बाद ये आपको ऑप्शन मिल गया यहाँ पर है, तो इंटर जैसे यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पर राम यादव आपका यहाँ पर आ चुका है। तो राम यादव आने के बाद आप लोग इसका यूज कर सकते हैं कि एक सेल दूसरे सेल को जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक और मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर जैसे R लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर A, और यहाँ पर मान लीजिए M लिख दिया। अब इसको कैसे जोड़ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल R, एंड का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पर A लगा देंगे, फिर यहाँ पर एंड का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पर M लगा देंगे, यह हो जाएगा टोटल मिला के यहाँ पर हो जाएगा राम। तो यहाँ पर सेल को आप लोग जोड़ने के लिए यहाँ पर एंड का सिंबल यूज करते हैं, तो इस तरीके से आप लोग प्रयोग इसका कर सकते हैं। नंबर 2 यहाँ पर ट्रिक आप लोगों को बताने वाले हैं, एक सीट को दूसरी सीट से कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पर पहले था आपका सेल को, अब यहाँ पर सीट की बात आ रही है, तो एक सीट को दूसरी सीट से कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सीट लिखा गया है और यहाँ पर 2 सीट, तो एक सीट और दूसरी सीट को कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा, एक सीट पर आप लोग क्लिक करिएगा और कंट्रोल दबा करके माउस को जो है यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं टाइप कर दिया राम, और दूसरे सीट पर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं राम, आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हुआ, टाइप हो चुका है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ सीट नंबर 1 पर और नंबर 2 पर। जैसे कि मैं फिर एक बार दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 पर मैं क्लिक किया हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मोहन, और मोहन लिखने के बाद यहाँ पर नंबर 1 पर देखेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं मोहन आपका जो है पहले से टाइप हुआ है। तो यहाँ पर एक सीट को दूसरी सीट से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल की मदद से। नंबर 3 पर आते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज मान लीजिए हम यहाँ पर नंबर 3 दे देते हैं, तो एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ अंक दे दिए यहाँ पर, जैसे कि 45, 15, 65, इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी अंक दे दे रहा हूं मैं, ये आपका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल एवरेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एवरेज एवरेज, और यहाँ टोटल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर कर देंगे तो आपका एवरेज यहाँ पर दे देगा। और दूसरा कैसे एवरेज निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक नॉर्मल निकाल के दिखाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, प्लस यहाँ पर मैं सबको क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, और इस तरीके से क्या करेगा, टोटल को जोड़ करके यहाँ पर क्या करना है, एंटर कर देंगे तो 268 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या करना है, अब कितनी संख्या है, एक, ये ध्यान में क्या, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या करना है, प्लस देना है 268/7 कर देना। यहाँ पर क्या करेंगे, आपका सेम देखिए यहाँ पर जो एवरेज निकल के आया है यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 3 हो गया। अब नंबर 4 पर हम बात करते हैं, नंबर 4 पर हम स्केल की बात करते हैं शॉर्ट की। तो यहाँ पर नंबर 4 में हम शॉर्ट कैसे यूज करके दिखाते हैं आप लोगों को है। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर हम लोग क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे। तो सीरियल नंबर मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ, सीरियल नंबर नेम, यहाँ पर मान लीजिए स्केल, और यहाँ पर पेज नंबर, और यहाँ पर डिजाइनेशन।
डिजाइनेशन हो गया, और इसको मैं थोड़ा से बड़ा कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर सीरियल नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 कर लीजिएगा, 4 हम कर दिए हैं। यहाँ पर मैं दे दे रहा हूँ नाम मोहन राम श्याम, और एक राजू, ये आपका हो गया नंबर 5। और इसमें स्केल में हम दे देते हैं नंबर 1 दे देते हैं, यहाँ पर है नंबर 1, नंबर 2, नंबर यहाँ पर 3, नंबर 4, ये आपका हो गया। और यहाँ पर पेज नंबर, जैसे कि पेज नंबर आपका मान लीजिए 652, यहाँ पर 235, यहाँ पर 451, यहाँ पर 985, ये हो गया आपका। और डिजाइनेशन मतलब इस, यहाँ पर जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर दे रहा हूँ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, और यहाँ पर मान लीजिए फील्ड ऑफिसर, और यहाँ पर कलर्क, और यहाँ फील्ड मान लीजिए ऑफिसर हो गया आपका। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको हेडिंग बना ले रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये आपका हेडिंग हो गया। अब इसको क्या करना है आप लोगों को है, यहाँ पर शॉर्ट का यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग, ध्यान में रखिएगा शॉर्ट, यहाँ पर मुझे क्या करना है, शॉर्ट को यूज करना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट यहाँ पर यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ऑप्शन यहाँ पर दिया गया शॉर्ट, तो हम लोग यहाँ से यूज करके दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर नंबर यह साइड यहाँ पर कर दे रहा हूँ, और यह वाला यहाँ पर कर दे रहा हूँ, तो डिलीट यहाँ से, और इसको क्या कर रहा हूँ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट का यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे शॉर्ट फिल्टर, एक नंबर 2 पर था ना ये आपका सेलेक्ट था, इसीलिए नहीं शॉर्ट दे रहा था। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ क्या करना है, शॉर्ट यहाँ पर लिखा गया शॉर्ट स्मॉल टू लेटर, यहाँ क्या करना है, A to Z यहाँ पर दिया गया है, यहाँ क्या करना है क्लिक करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रम वाइज जो है चेंजिंग यहाँ पर आ गया है। तो ये आपका शॉर्ट में इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप 985 यहाँ पर आ गया आपका, क्रम वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, स्केल यहाँ पर उल्टा यहाँ पर क्रम कर दिया, नंबर 1 इसको कर दिया है, और नंबर 2 यहाँ पर कर दिया है, नंबर 3 यहाँ पर, नंबर 4 यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, शॉर्ट का भी इस्तेमाल ये आप लोग कर सकते हैं। अब नंबर 5वें पर बात आती है, तो नंबर 5 की हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर बोलते हैं मोड फंक्शन, तो मोड फंक्शन कैसे यूज करते हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मोड फंक्शन का यूज। तो मोड मतलब यहाँ पर यह होता है कि आपका यहाँ पर जिससे हमें क्या करना है, भाग देना, ध्यान रखिएगा, जिससे हमें भाग देना है, और जो यहाँ पर भाग फल बचता है क्या करना है, इसको सॉरी शेष फल बचता है, इसको हम बोलते हैं मोड फंक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेष फल को यूज करके दिखा देते हैं आप लोगों को। इक्वल यहाँ पर मैं मोड लगा दे रहा हूँ, मोड कोष्ठक ऑन, यहाँ पर जैसे हम 13, यहाँ पर मैं दे दिया 13,2, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 2 कोष्ठक ऑफ, यहाँ पर भाग जब देंगे तो आपका शेष फल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचना चाहिए, शेष फल आपका 1, और यह आपका जो है मोड फंक्शन का यूज कर रहा है। और हमें क्या करना है, नंबर 6 पर आ जाते हैं, तो कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, यह आपका बताता है भागफल। तो भागफल कैसे यूज करते हैं, इक्वल कॉन्टिनेंट, क्या करेंगे कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का प्रयोग यहां पर कर लेते हैं, क्यू इक्वल QUO कॉन्टिनेंट। और क्या करना है, यहाँ पर नंबर कॉमा, यहाँ पर फिर से वही संख्या में दे दिया, और क्या करना है, यहाँ पर 6 आपका रिजल्ट में रहेगा, मतलब यहाँ पर भागफल ये आपका दिखा रहा है कि क्या करना है भागफल। अब यहाँ पर बता रहा है प्रॉपर केस, प्रॉपर केस यहाँ पर जैसे मैं लिख दे रहा हूँ देवराज, और यहाँ प्रॉपर केस का मतलब ये होता है नंबर 7 में, तो हम नंबर 7 में यहाँ पर यूज करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि यह प्रॉपर केस में
यह पहला वर्ड कैपिटल और बाकी जो है यहाँ पर टोटल जो है स्मॉल में आपको दिखाई देगा। तो कैसे यूज करते हैं, इक्वल प्रॉपर प्रॉपर कोष्टक ऑन टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर कर दे रहा हूं दे और राज, ये लिख दिया और डब्ल्यू डॉट कॉमा क्लोज कोष्टक ऑफ कर दिया यहां पर। और यह क्या करेगा, यहां पर जैसे ही इंटर मारेंगे तो यह फर्स्ट वाला कैपिटल और बाकी जो है यहां पर स्मॉल में आप लोगों को दे देगा। यहां पर नंबर 8 आते हम लोग आए और यहां पर क्या करते हैं, नंबर 8 में मैं दिखा दे रहा हूं लेन फंक्शन। लेन फंक्शन कैसे यूज करता है, जैसे कि आपको जो टेक्स्ट दिया रहेगा उसको यह काउंट करके बताएगा कि कितना वो आपका टेक्स्ट है। इक्वल लेन कोष्टक ऑन, जैसे कि यहां पर मैं दे दिया डबल डॉट कॉमा के अंदर यहां पर लिख दिया HZAMGAR आजमगढ़ और डबल डॉट कॉमा क्लोज कोष्टक बंद और यहां पर क्या करना एंटर कर देंगे। तो ये आपका 8 वर्ड अभी दिखा रहा है, अगर मैं यहां पर कुछ कम कर दूं आप लोगों को तो ये आपका 10 वर्ड दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि मैं आजमगढ़ में 2 स्पेस दे दिया हूं इसलिए अब क्या कर रहा है 10 अंक। यहां पर स्पेस को भी यह काउंट किया जाता है, यहां पर इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि स्पेस को भी क्या करता है, काउंट करता है। यहां पर नंबर 9 में हम बात करते हैं नाउ फंक्शन और टुडे की। तो टुडे में क्या करता है, ओनली डेट शो करता है और नाउ में डेट एंड टाइम दोनों शो करता है। मैं यहां प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं, इक्वल टुडे कोष्टक ऑन कोष्टक ऑफ, ध्यान में रखिएगा कोष्टक ऑन कोष्टक ऑफ इंटर कर देंगे तो आपका डेट वाली शो करेगा। और यहां पर क्या करेंगे, इक्वल नाउ कोष्टक ऑन कोष्टक ऑफ कर देंगे इंटर कर देंगे तो आपको रिजल्ट यहां पर मिलने वाला डेट एंड टाइम, यहां पर डेट एंड टाइम भी मिलना है आपको। यह हो गया नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग आए तो 10 में आते हैं यहां पर हम, यहां पर 10 में हम बताएंगे आप लोगों को एलसीएम। एलसीएम कैसे यूज करते हैं, इक्वल सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल एलसीएम और कोष्टक ऑन कर देंगे। यहां पर कोष्टक ऑन करने के बाद यहां पर जैसे कि मान लीजिए मुझे 45 कॉमा मान लीजिए 63 कॉमा 23, यहां पर क्या करना है इन सबों का एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर जैसे इंटर कर देंगे तो आपको यह एलसीएम निकाल के यहां पर वैल्यू आपको दे रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं। बस आज के इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू।